Hello dear children, welcome to my EVS video class for 30th November 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, following all the COVID protocols and following all the safety precautions. Do take very good care of yourselves children and keep on following all the protocols, all the safety precautions. Be obedient, listen to your parents and stay happy, healthy and safe. And at the same time children, I hope that you are watching the videos regularly and completing your work also. It is very important to be regular children. Jaisa aapne EVS mein hi ek lesson mein padha hoga, good habits mein, that it is very important to be regular. Jo bhi kaam karte ho regularly apna, अभी आप लोग स्कूल आ रहे हो, स्कूल अगर नहीं आ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो इफ़ यू आर रेगुलर, कभी भी आपको टेंशन नहीं होगा. इट इज़ नॉट फॉर क्लास वन, आगे भी पढ़ते तो आगे भी जाओगे, आगे आगे क्लासेस में जाओगे. इफ़ यू आर रेगुलर विथ योर स्टडीज़, कभी भी ये नहीं रहेगा कि अरे मेरा काम छूट गया, अभी तो मुझे इतना सारा काम करना है, अभी तो इतना सारा काम बचा हुआ है. रोज़ का रोज़ आप काम करते जाओगे तो यू विल ऑलवेज बी एट ईज कि यस मेरा काम कम्प्लीट है. ओके So children, we have completed chapter number 14, that is plants around us. And today we are going to start a new chapter, that is animals around us, chapter number 15. But before starting this chapter, जैसे हमने बताया था, जैसे कल हम previous class में we were discussing hots, ठीक है. तो एक तो question मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि why should we plant more trees. ये तो हमने लिखा था कॉपी में क्वेश्चन आंसर में कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज प्लांट्स गिव अस सो मेनी थिंग्स. प्लांट्स, वी गेट एवरीथिंग वी ईट फ्रॉम प्लांट्स. जो भी हम खाते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम प्लांट. एंड बिसाइड्स दैट प्लांट गिव अस सो मेनी अदर थिंग्स. प्लांट्स आर होम टू सो मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. जो आप क्लासेस में आते हो, घर में फर्नीचर हम यूज़ करते हैं, वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट. वी गेट फ्लावर विच आर यूज फॉर डेकोरेशन, जिसको हम पूजा में यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, इंसेंस स्टिक बनती है. वी गेट रबर, कॉटन, जूट, सो मेनी थिंग्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स एंड ट्रीज, दे क्लीन द एयर एंड दे गिव अस ऑक्सीजन. सो देयरफॉर वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे क्लासेस में जाओगे, सीनियर क्लासेस में जाओगे, दिस वन मोर वेरी इम्पॉर्टेंट रीजन टू प्लांट ट्रीज. जो भी क्रॉप होती है, जो फसल उगती है, ठीक है, तो वो हर जगह पे हम हर एक क्रॉप नहीं लगा सकते. वी कैन नॉट प्लांट एवरीथिंग एवरीवेयर, कि कहीं पे हम कुछ भी लगा दें, ठीक है. कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको बहुत पानी की ज़रूरत है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको पानी, कम पानी की ज़रूरत होती है. जो हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल के भी बहुत टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह की सॉइल होती है, ठीक है. तो जो प्लांट्स होते हैं वो जो हमारी अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर, जैसे जो सॉइल होती है, जब प्लांट होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं, तो उनकी आपने देखा होगा रूट्स कितनी स्ट्रांग हो जाती है. तो उससे रूट से क्या होता है कि जो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो पूरी उस जगह पे ही रहती है, ठीक है. तो जब हम किसान, जो फार्मर्स जो क्रॉप लगाते हैं, तो वो अच्छी ग्रो करती है. अगर प्लांट हम कट कर देते हैं तो क्या होता है, जो प्लांट काट देते हैं तो उसकी रूट्स भी ख़त्म हो जाती हैं. तो जो ऊपर की जो वहाँ की जो सॉइल होती है ना, वो बिल्कुल, मतलब उसको कोई, जिसको कहते हैं पकड़ के रखना, तो कोई पकड़ के रखने वाला नहीं होता है. तो जब बारिश होती है, फ्लड आती है या हवा तेज़ चलती है, तो जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, वो उसके साथ में उड़ जाती है, ठीक है, जो कि क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छी होती है. अभी आप आगे क्लासेस में जाओगे तो इस प्रोसेस के बारे में भी पढ़ोगे. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन टू प्लांट मोर ट्रीज. ओके, इसका एक क्वेश्चन बचा था कि लाइफ स्किल. वी नो दैट प्लांट हैज़ लाइफ. डिस्कस विद योर टीचर व्हाई डू वी से सो. हम कहते हैं ना कि प्लांट्स में लाइफ होती है, तो कैसे आप इस बात को कह सकते हो कि प्लांट्स में लाइफ होती है? व्हाई डू वी से सो, क्यों हम ऐसा कहते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? प्लांट्स में, लाइक वी शेयर द अर्थ विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम धरती पे रहते हैं, हमारे साथ प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है. एंड वी ऑल लिव ऑन लैंड. जो धरती जो है, हमारी पृथ्वी जो है, दैट इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो
कि ऑलमोस्ट 70% लैंड इज कवर्ड विथ वाटर, ओनली 30% इज लैंड, जो अर्थ का जो सरफेस है वो ऑलमोस्ट 70% जो है वो पानी से ढका हुआ है, बहुत थोड़ा सा पार्ट लैंड का है, एंड उसी लैंड पे वी शेयर दैट लैंड विथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं लिविंग बींग्स। क्यों हम कहते हैं प्लांट्स में लाइफ होती है? बिकॉज व्हेन वी प्लांट अ सीड, अभी हमने पढ़ा कि अ बेबी प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, सीड से बेबी प्लांट ग्रो करता है, तो व्हेन वी प्लांट अ सीड उसमें से रूट्स निकलती हैं, उसमें से शूट्स आती हैं, ठीक है ना, शूट्स मैंने बताया सीड में से छोटा सा एक स्टेम और छोटी सी लीफ निकलती है पहले, सो दैट इज शूट। तो जब हम कोई प्लांट लगा जब हम कोई सीड लगाते हैं तो उसमें से पहले शूट निकलती है, फिर धीरे 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 बिकम्स छोटा सा प्लांट बनता है। बहुत प्लांट्स के लिए क्या होता है, उस छोटे प्लांट को निकाल करके देन दैट सैपलिंग इज प्लांटेड समवेयर, ठीक है, तो लेकिन वो छोटा सा प्लांट निकलता है एंड देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, बड़ा होता है, ग्रो करता है, ठीक है, उसमें लीव्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, इफ़ वी टेक केयर, ठीक है, उसकी हम केयर करते हैं, उसमें पानी टाइम टाइम पे पानी डालते हैं, उसमें मैन्योर है, खाद सब चीज़ें डालते हैं, इफ़ वी स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट व्हाट विल हैपन, अगर हम प्लांट की केयर करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? अब देखोगे ना प्लांट आफ्टर सम टाइम द प्लांट डाइज, ख़त्म हो जाता है। समर्स में आप एक प्लांट को कुछ दिन तक छोड़ दो बिना पानी दिए, जस्ट लीव दैट प्लांट, डू नॉट गिव एनी वाटर टू दैट प्लांट, मतलब बिल्कुल भी उस प्लांट में पानी मत डालो। आफ्टर फ्यू डेज पहले आप देखोगे कि धीरे धीरे उसकी जो लीव्स है उसमें जितना पानी रहता है सॉइल में वो तो उससे प्लांट ठीक रहता है, बट जैसे सॉइल में पानी का कंटेंट एकदम ख़त्म हो जाता है तो आप देखोगे सबसे पहले उसकी लीव्स जो है वो ड्रूप करती हैं, पत्तियाँ एकदम मुरझा जाती हैं, उसके बाद भी आप पानी अगर दे दोगे तो पत्तियाँ फिर से ठीक हो जाती हैं, बट इफ़ यू डू नॉट पुट एनी वाटर उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके वो प्लांट पूरा ड्राई होकर के प्लांट पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप उसमें कितना भी पानी डालो इट विल नॉट ग्रो अगेन, प्लांट ख़त्म हो गया, ठीक है, सो दैट इज़ वाई, मतलब हमने देखा कि प्लांट ग्रो किया, ठीक है, प्लांट ग्रो किया, प्लांट जो है वो उसमें अगर हमने उसकी केयर नहीं किया तो प्लांट ख़त्म भी हो जाता है, मर जाता है, सो दैट इज़ वाई वी से दैट प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ, इसीलिए हम कहते हैं बिकॉज दे ग्रो, बड़े होते हैं, जैसे बाकी चीज़ें आपके आसपास है, सो मेनी थिंग्स, टेबल है, चेयर है, फैन है, फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, क्या कोई चीज़ ग्रो करती है? नहीं करती है ना, बिकॉज दे डू नॉट हैव लाइफ, बट वी से प्लांट्स हैव लाइफ बिकॉज दे ग्रो, दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स हैव लाइफ, ओके, सो नाउ चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज ओवर, नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 15, दैट इज एनिमल्स अराउंड अस। Now, as I told you, we share the earth with plants and animals. हम इस earth को किसके साथ share करते हैं? Plants और animals के साथ. Okay? We share the earth with plants and animals. ठीक है? फिर land जैसे मैंने बताया कि only 30% is land, rest 70% is water. तो हम plants और animals के साथ share करते हैं. We have टॉक्ड अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है, प्लांट्स के बारे में हमने बात कर लिया, नाउ इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे प्लांट्स के बारे में हमने प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात किया, सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे इतने तरह के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स भी बहुत तरह के होते हैं, सो चिल्ड्रेन ओपन पेज, टर्न टू पेज नंबर 90 इन योर ईवीएस बुक, पेज नंबर इज 90, एनिमल्स अराउंड अस, एंड एज ऑलवेज द फर्स्ट थिंग इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, LEARNING, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, OBJECTIVES, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, नाउ चिल्ड्रेन मस्ट अंडरस्टैंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एज आई टोल्ड यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दैट मीन्स व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन, इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन आप क्या क्या सीखोगे, इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं
और लेसन कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे। ठीक है, इस लेसन में हम ये पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखोगे, लर्निंग मतलब सीखना। चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। दे मेक द एनिमल किंगडम, जैसे हमने पढ़ा था कि देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, दे मेक द प्लांट किंगडम। तो ये जो एनिमल्स हैं दे मेक द एनिमल किंगडम। ठीक है, तो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। जो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, देर PHERE देर आर मेनी different DIFFERENT there are many different types of, there are many different types of animals। यहाँ पे लिख सकती हूँ ANIMALS, there are many different types of animals all around us। ठीक है, all AROUND all around us, they make the they make the animal kingdom, okay, KINGDOM, they make the animal kingdom। now second learning objective is types of animals। ठीक है, हमारे आसपास बहुत तरह के अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स कौन कौन से हैं। सो सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज TYPES, टाइप्स ऑफ ANIMALS, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, दीज आर INSECTS, इंसेक्ट्स। ठीक है, वाटर एनिमल्स WATER, वाटर ANIMALS, वाटर एनिमल्स, देन एम्फीबियंस। अभी सबके बारे में जब मैं लेसन पढ़ाऊंगी देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, वाटर एनिमल्स, देन एम्फीबियंस AMPHIBIANS, एम्फीबियंस, then reptiles, reptiles, birds birds, birds, and mammals, mammals। ठीक है, these are the different types of animals। अभी you may wonder कि ये क्या है, इंसेक्ट्स है तो ठीक है आप लोग फेमिलियर हो गए, जैसे बटरफ्लाई है, हनी बी है, दीज आर ऑल इंसेक्ट्स, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है। वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, वाटर एम्फीबियंस, वाटर रेप्टाइल्स, वाटर बर्ड्स से भी आप फेमिलियर हो गए, वाटर मैमल्स। ठीक है, तो ये व्हेन आई एक्सप्लेन द लेसन, जब स्टार्ट करूँगी देन आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज टाइप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, देन एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। नाउ जैसे प्लांट को अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, एंड ऑल दीज एनिमल्स, दीज डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, दे कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम घर में एज पेट रखते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं विच आर वाइल्ड, जो कि बहुत ही जंगली होते हैं, एंड विच आर वेरी वेरी फेरोशियस, डेंजरस, विच कैन नॉट बी केप्ट एट होम। ठीक है, तो एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, दीज आर वाइल्ड, डोमेस्टिक, and pet animals। अभी there is no space on the board, so I'm not writing। These जितने भी animals हैं, जितने भी अलग अलग तरह के animals हैं, whether they are insect, water animal, amphibian, reptile, bird, mammal, कुछ भी है, these are divided into three different groups। और ये कौन कौन से group हैं, these are wild animals, domestic animals, pet animals। ठीक है, कुछ animals जिनको हम as pet घर में रखते हैं, जैसे dog है, cat है, कुछ animals हैं which cannot be kept as pet, जिनको कि हम as pet भी रखते हैं, and they are of some use, जैसे cow है, we get milk from cow, और उस milk से इतने सारे products बनते हैं, goat है, buffalo है, ठीक है, so we get milk from them, so they can be kept as pet also, and they are of some use। ठीक है, उसको कहते हैं domestic animals, and wild animals, जंगली जानवर, ठीक है, जिनको कि हम घर पे रख ही नहीं सकते,
दे आर वाइल्ड बाई नेचर. उनको हम कितना भी टेम करने की, कितना भी सिखाने की कोशिश करें, वी कैन नॉट टेम देम, क्योंकि उनका बेसिक जो नेचर है वो वाइल्ड है, जंगली है. ठीक है, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन टुडे. आई विल स्टॉप हियर ओनली. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल. सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.